अगदी शेवटच्या फेरीपर्यंत उत्कंठावर्धक झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या लढतीत MIM आणि वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार इम्तियाज जलील यांनी मुसंडी मारून खासदार चंद्रकांत खैरे यांचा 4492 मतांनी पराभव करत शिवसेनेचा बालेकिल्ला खालसा केला. औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघाची मतमोजणी गुरुवारी 23 मेला सकाळी चिकलठाणा MIDC मेल्ट्रॉन कंपनीत सुरू झाली. 26 फेऱ्यांमध्ये 84 टेबलवर मते मोजण्यात आली. 11,95,242 मतमोजणीसाठी तब्बल 13 तासांपेक्षा अधिक वेळ लागला. जलील यांनी पहिल्या फेरीपासूनच घेतलेली आघाडी 2 फेऱ्या वगळता कायम राखली. पहिल्या फेरी अखेर खैरे यांना 11,310, हर्षवर्धन जाधव यांना 13,997 तर जलील यांना 18,427 मतं घेऊन आघाडी कायम ठेवली. दुसऱ्या फेरीमध्येही जलील यांनी मतांची आघाडी कायम ठेवत ती शेवटपर्यंत राखली. टप्प्याटप्प्याने मताधिक्य वाढत होते. पहिल्या 10 फेऱ्यापर्यंत जलील पहिल्या स्थानी, पहिल्या 10 फेऱ्यांपर्यंत जलील पहिल्या स्थानी तर दुसऱ्या स्थानावर अपक्ष उमेदवार हर्षवर्धन जाधव होते. 8व्या फेरीअखेर खैरे यांनी हर्षवर्धन जाधव यांना मागे टाकत दुसरे स्थान मिळवले. त्यावेळी खैरे यांना 1,09,288 तर जाधव यांना 1,08,423 मतदान पडले. या फेरीअंती आघाडीवर असलेले जलील यांना 1,33,190 मतदान पडले होते. दरम्यान 15व्या फेरीनंतर खैरे आणि जलील यांच्यामधील मताचे अंतर फार कमी झाले. 21व्या फेरीअखेर हे अंतर आणखी कमी झाले आणि शिवसेनेच्या तंबूत उत्साहाचे वातावरण पसरले. यावेळी आघाडीच्या कार्यकर्त्यांकडून घोषणाबाजी सुरू झाली, मात्र त्यानंतर पुन्हा जलील यांनी आघाडी घेतली आणि ती अखेरपर्यंत निर्णायक ठरली. काँग्रेस उमेदवार सुभाष झांबाड यांना अपेक्षेपेक्षा कमी मते मिळाली. अपक्ष उमेदवार हर्षवर्धन जाधव यांनी निवडणुकीत चांगलीच रंगत आणली. मतदानानंतरही ट्रॅक्टरचा फॅक्टर जोरात असल्याचं सांगण्यात येत होतं. मतमोजणीमध्ये त्याच्यात तथ्य असल्याचे दिसून आले. देखिए, मैं समझता हूँ कि ये औरंगाबादच्या जनतेचा हे विजय आहे. मागच्या अनेक वर्षापासून हे कॅन्डिडेट जे होतं ते जिंकत होतो, पण शहर दर 5 वर्षांनी हारत होतो. अभी ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मैं समझता हूँ कि ये शहर जीता है, और मुझे खुशी इस बात की है कि इतने सालों के बाद ये एक ऐसा इलेक्शन हुआ है जहाँ पर मुझे खुशी इस बात की है कि तमाम समाज, तमाम धर्म, तमाम मज़हब के लोगों ने एक साथ मिलकर मुझे जिस तरह से भारी अक्सरियत से मुझे कामयाब किया है, जिस तरह से मुझे वोटिंग की है, मैं समझता हूँ लोगों को एक बदलाव चाहिए था और वही बदलाव उन्होंने इस वोटिंग के ज़रिए दिखाया है. उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है. अब ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगले 5 साल मैं इस शहर के लिए मेहनत करूँ और कोशिश करूँ कि औरंगाबाद शहर की पूरी जनता को साथ में लेकर हम साथ में लेकर चले और इस शहर की तरक्की के लिए हम लोग काम करें. विकासाच्या मुद्द्यावर तुम्ही ही निवडणूक लढवली आहे. आता हे सगळ्यात मोठं आव्हान असणार आहे विकास. कशा पद्धतीने तुम्ही पेलणार आहात? देखिए, औरंगाबाद शहर जैसा आप लोग जानते हैं कि किसी ज़माने में एक एशिया का फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी हुआ करता था. क्या वजह है कि पिछले 20-25 सालों के अंदर ये शहर की पहचान ख़त्म हो गई. अगर इस शहर की पहचान आज अगर है तो कचरे से किया जाता है कि ये शहर कचरे का शहर बन गया है. ये शहर के अंदर अकेले एक ऐसा देश की पहली एक कंपनी है जहां पर पूरे शहर के पानी का स्कीम एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है. लाया शिवसेना ने और दिया गया जिस कंपनी को, उसके मालिक है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर. ये हमारे ऊपर लादा गया था. आज औरंगाबाद शहर के अंदर 8-8, 10-10 दिन के बाद पानी मिलता है. औरंगाबाद शहर के सड़कों की हालत इतनी ख़राब, पैसा जब आता है तो यहाँ पर पैसा ठेकेदार, नेताजी सब मिलकर बांट के खा जाते हैं. तो ये सब जिम्मेदारियाँ हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है. लेकिन ये अकेले मुझसे अगर पॉसिबल होगा, अगर आप पूछेंगे, तो मैं कहूँगा कि मुझसे अकेले पॉसिबल नहीं है. औरंगाबाद की जनता को पूरा साथ में आना पड़ेगा. तमाम लोगों को ये सोच कर, हम लोगों को अलग अलग मुद्दों के ऊपर अच्छी टीम तैयार करके हम इस शहर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से हम कैसा जा सकते हैं. मेरी खुद की ये सोच है कि अगर विधानसभा के अंदर अगर हम अच्छा प्रपोजल बना के अगर लेके गए तो पैसा लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अब मुझे ये मौका मिला है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आई है, लेकिन हम अच्छा काम लेकर जाएंगे तो हमें यकीन है कि अच्छे काम की वहाँ पर सुनवाई. MIM ने एक जागा लढवली आणि MIM ला हे 100% यश मिळाले असं आपण मानतात.
यानी 100%। देखिए मैं ये कैंडिडेट जो हूँ, मैं जो चुनकर आया हूँ, मैं एक्सीडेंटल कैंडिडेट हूँ। आप लोगों को मालूम होगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी और MIM का जब गठबंधन हुआ उसके बाद ये था कि किसी एक कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर हुआ, लेकिन हमारा ये कहना था कि औरंगाबाद शहर से आप किसी स्थानिक बंदे को आप टिकट दीजिएगा, और इसके ऊपर चर्चा हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे सर्वेसर्वा प्रकाश अम्बेडकर साहब को, हमारे MIM के प्रमुख असद अवैसी साहब को, कि ये दोनों मिलकर इन्होंने जो फैसला लिया कि हाँ हम लड़ेंगे। लेकिन 28 दिनों का टाइम मिला था, 28 दिनों के अंदर हमने खूब मेहनत की, लेकिन उसी की मेहनत का नतीजा है कि आज इतने सालों के बाद हमें ये MP की सीट मिली है। शेवटी औरंगाबाद शहर म्हटलं की धार्मिक हा विषय सातत्याने येत असतो, आता तुम्ही निवडून आलात, कसं आवाहन कराल सगळ्यांना, कशा पद्धतीनं, कारण तुम्हाला सगळ्यांनी मतदान केलेलं आहे, कारण एक भीती पसरविली जात आहे तुम्ही आल्यामुळे गोंधळ होईल अशी। देखिए बघा, 2014 मध्ये जेव्हा मी निवडून आलो होतो त्यावेळी पण काही मीडिया हाऊसेसने आणि काही पॉलिटिकल पार्टीजने असा एक संभ्रम तयार केलं होतं की आता MIM जिंकून आलेली आहे, आता खूप त्रास होणार आहे, आता जातीय दंगे होणार आहे। पण मी एक गवाही दिली होती की मी माझ्या शहरात कधीही दंगल होऊ देणार नाही, या शहरा आपल्या सगळ्यांचा शहर आहे, आपण सगळं सोबत घेऊन जाणारा हे शहर आहे। मेरा यही कहना है कि हम लोग मैं आप लोगों को औरंगाबाद के MP की हैसियत से ये गवाही देना चाहता हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा इस शहर की शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये शहर अगर शांति अगर रही इस शहर के अंदर तब जाकर ये शहर तरक्की करेगा। आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसलिए नहीं होता, आज टूरिस्ट इसलिए नहीं आते हैं कि यहाँ का सोशल फैब्रिक बिगड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा कि हमारे पुराने जो खासदार है चंद्रकांत खैरे साहब, 20 साल का उनका एक्सपीरियंस है, मैं उनको भी साथ में लूँगा। हर्षवर्धन जाधव जो चुनाव लड़ा है मेरे साथ में, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, एक यंग लड़का है, मैं चाहूँगा उसको भी हम साथ में लेकर, कोई हारना है कोई जीतना है, लेकिन सबका मंशा और सबकी मंजिल एक ही थी कि हमको सबको इस शहर की तरक्की करना है। हम सब साथ में मिलकर आएंगे और सब इस शहर को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे 24, औरंगाबाद। राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी।